दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ट्रैवल स्ट्रीट पे। आज मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में और मैं यहाँ के प्राइड कहे जाने वाले एक पार्क में आया हूँ जिसका नाम है अम्बेडकर पार्क। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा और कम्प्लीट पार्क को मैं आपको दिखाऊंगा। पार्किंग एरिया है और ये इसके चार्जेस यहाँ पे मेंशन है। बाइक का 10 रुपये है और कार का 20 रुपये है। पार्किंग के जस्ट अपोजिट साइड में ही देखो, आपको यहाँ पे मेन गेट मिल जाएगा। सामने वहाँ पे टिकट काउंटर है, अभी चलेंगे टिकट लेंगे और उसके बाद से यहाँ से एंट्री करेंगे। चलिए, सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेके फिर एंट्री करेंगे अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। फाउंटेन के सामने जस्ट आपको जो विंडो दिखाई दे रही है, ये टिकट काउंटर है और यहाँ से हम टिकट लेंगे। एडल्ट्स की जो टिकट है वो 15 रुपीज़ की है। 5 साल से अगर कम का बच्चा है तो उसकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मेन एंट्रेंस गेट ये सामने है दोस्तों, और ये पार्क 107 एकड़ में फैला हुआ है और जिस समय ये बना था उस समय इसको बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपये का खर्चा आया था। दोस्तों, ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डेडिकेट किया गया है, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे थे और आप जैसा कि आपको पता है उन्होंने संविधान भी लिखा था, तो उनके याद में इस पार्क का निर्माण किया गया था। इस पार्क का इनॉग्रेशन अप्रैल 2008 में किया गया था और इस पार्क को जो मेंटेन करता है या जो रन करता है वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का संग्रहालय है, तो इसके अंदर चलेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे अंदर मूर्तियाँ लगाई गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको लेके चलता हूँ संग्रहालय में और दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है। देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। जो 15 रुपये की टिकट है उसी में सब कुछ आप घूम सकते हो। संग्रहालय के अंदर देखिए बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई गई हैं और वही मूर्तियाँ हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। ये देखिए भगवान बुद्ध, यहाँ पे कबीरदास और ये संत रविदास की मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी भी नीचे लिखी है। ये नारायण गुरु की है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मायावती, बिरसा मुंडा, ये कांसी राम जी की। यहाँ पे बहुत जो पहले के टाइम में जो बहुत बड़े बड़े राजनेता रहे हैं या बहुत बड़ी पर्सनालिटी रही है या बहुत बड़े वो संत रहे हैं, बहुत बड़े महात्मा रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ, उनकी स्टैचू, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। दोस्तों, ये पार्क अन्य पार्कों से बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी अंदर, पीने का पानी आपको मिल जाएगा, उसके अलावा खाने पीने की कोई भी चीज़ कैंटीन वगैरह अंदर नहीं मिलेगी। खाना पीना है तो आपको लखनऊ के सबसे फेमस चौराहा 1090 पार्क से निकलते ही आपको सामने मिलेगा, तो वहाँ आप जाके ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। बट पार्क के अंदर केवल और केवल आपको पानी मिलेगा, जगह जगह आपको यहाँ पे टैप लगे हुए मिल जाएंगे, ठंडा पानी आपको मिलेगा, दैट्स इट। मेरे पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है बहुत बड़ी और यहाँ पे माया। तो मैं लेके चलूँगा, देखो मेरे पीछे ये हाथियाँ लगी हुई है, ये टोटल 40 हाथियाँ हैं और ऐसा बताया जाता है कि एक हाथी को बनवाने में लगभग 40 लाख का खर्च आया था। बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी इस चीज़ को लेकर के, तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, नज़दीक से दिखाऊंगा। देखने में तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव उस टाइम ये पार्क बना था और इसको लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। दोस्तों, इस पार्क में शाम को घूमने का मज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत ही शानदार की गई है और सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का माहौल और बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये पार्क बहुत ही शानदार बना हुआ है।
ये गैलरी है, इसके अंदर भी वही सारी चीजें होंगी, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये पार्क बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा टाइम को देख के आप आइए, या तो अर्ली मॉर्निंग आइए या तो थोड़ा सा लेट इवनिंग आइए। अगर आफ्टरनून दोपहर वगैरह में आते हैं तो धूप को लेकर के या गर्मी में अगर आप आते हो तो थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, बट चूँकि ये पार्क इतना शानदार है, घूमने में आपको इतना अच्छा लगेगा, फोटोज़ वीडियोज़ अगर आप कराने के या बनाने के शौकीन हो तो ये मस्ट विजिट। अभी हम लोग देखिए अभी सामाजिक गैलरी में हुई है, मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस की और जैसे अम्बेडकर जी की लगी हुई है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है, ज्योतिबा फुले की लगी हुई है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। बहुत ही बड़ा पार्क है, आप आओगे आप थक जाओगे, अपने साथ वाटर वगैरह कैरी जरूर करो। वैसे अंदर टैप वगैरह लगे हुए हैं बट फिर भी आप अपना वाटर बॉटल अपने साथ रखो, और बहुत बड़ा है। वैसे ये अक्टूबर से लेके और मार्च 31 मार्च तक यहाँ पे बहुत रश रहता है, ज़्यादातर लोग उसी समय यहाँ पे घूमते हैं। अभी बहुत धूप भी है यहाँ पे, और वैसे तो पूरे साल लोग आते हैं, चूँकि आज संडे है, काफ़ी सारे लोग आज भी आए हुए हैं, लेकिन चूँकि पार्क इतना बड़ा है कि भीड़ ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, और सर्दियों में या फिर लेट इवनिंग अगर आप आते हो तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। मान्यवर श्री कांसीराम जी की ये टेम्पल लगी हुई है मायावती जी की। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पार्क है, 107 एकड़ में फैला हुआ है, तो आपको पता ही होगा कितना बड़ा होगा। अगर आप यहाँ पे आते हो तो लगभग 2-2.5 घंटा आपका जाएगा, लेकिन अगर आप लखनऊ आते हो तो एक बार आपको यहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए। मात्र 15 रुपये का टिकट है और बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, देखने लायक है। यहाँ पे घूमते टाइम समटाइम्स आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप किसी पार्क में नहीं, किसी बहुत बड़े राजा महाराजा का महल है या किला है उसमें आप घूम रहे हो। ऐसा इसका आर्किटेक्चर है और उसी तरीके से इसको बनाया गया है। सामने यहाँ पे एक हेलीपैड भी है, देखिए कितना शानदार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी किले में है। ये एक स्तंभ है, स्तंभ पे इस पार्क के बारे में कंप्लीट जानकारी लिखी हुई है हिंदी इंग्लिश में, चारों तरफ आप देखिए इसको। ये मुख्य परिसर है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डेडिकेटेड है, और इसमें चलते हैं देखते हैं उनकी बहुत बड़ी, आप यहाँ पे एक प्रतिमा भी अंदर लगी हुई है जो कि एक बहुत बड़े चेयर पे बैठे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और बहुत ही यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है, इसके इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं और इतना शानदार इसका आर्किटेक्चर है कि आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए जो मेन संविधान लिखा गया था उसकी कॉपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लिख लिया था उन्होंने तो वो दे रहे थे, तो उस टाइम की वो प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। कंप्लीट पार्क और उसका मैप है। ये वो स्टैचू है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, देखिए ये वाला कितना बड़ा है ये। अब चलिए मैं आपको इसके ऊपर लेके चलूंगा और यहाँ से मैं आपको पूरा गोमती नगर दिखाऊंगा। इवनिंग में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है क्योंकि सबके यहाँ लाइट्स वगैरह चारों तरफ जलती रहती हैं, बट इस समय भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर से गोमती नगर का एक 360 व्यू लेते हैं। दोस्तों ये पार्क इतना सुंदर है कि यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी हुई है, बहुत सारे गानों की भी शूटिंग यहाँ पे बहुत बार हुई है। ये ऊपर से पार्क देखने में कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा है, तो अगर आप हो लखनऊ घूमने आ रहे हो या लखनऊ से हो तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये एग्जिट सामने जो गेट दिख रहा है यहीं से एग्जिट भी होता है।
तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं।